क्योंकि आप बेनमाजी है ना, आपके बाप को आके कभी किसी ने इमाम मस्जिद में नहीं कहना कि जी आपका बेटा जवान है, आपको तो हम मस्जिद में देखते हैं, आपका बेटा क्यों नहीं आता। लेकिन अगर किसी नमाजी या बेनमाजी बाप का बेटा रफली देना शुरू कर दे तो मोहल्ले के बेनमाजी भी समझाने आ जाएंगे। ये फर्क देखा है? यही हमारे हक में होने की दलील है कि शयातीन समझाने के लिए आ रहे हैं जिनका खुद इस्लाम डाउट में है, क्योंकि बंदे के कुफर इस्लाम के दरमियान फर्क से मुस्लिम की हदीस के तहत नमाज और कुरान में आया नमाज कायम करो और मुशरकीन में से ना हो जाओ। जब बेनमाजी बाप को समझाने के लिए आए कि अपने बच्चे का रफली देना छुड़ा दो, तो बच्चे को समझ जाना चाहिए कि ये शैतान की पार्टी है मुखालिफ। अगर इनको नमाज इतनी अजीज होती तो खुद पढ़ रहे होते ना। जब तक आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो कोई इमाम मस्जिद को तकलीफ नहीं होती। तो वो फितना इसलिए समझ रहे हैं, उनके लिए फितना बन गया, उनके चंदे बंद हो रहे हैं। लोग उनसे पूछेंगे कि जनाब ये जो तीन चार बंदे रफली देना से नमाज पढ़ रहे, अल्लाह का मखलूक नजर आ रहे हैं, ये सही है या हाँ?